वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वाचिंग मी फर्स्ट टाइम, हे माय नेम इज़ शिखा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है क्विक एंड एवरीडे मेकअप लुक। तो आप इस मेकअप लुक को कैरी कर सकते हैं कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए, अगर आप डेली जाते हैं तो आप ये मेकअप लुक आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ पॉन्ड्स का हाइड्रेटिंग ग्लो मॉइस्चराइजर प्लस जेल। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको डेली वेयर में ज़रूर अप्लाई करें अपने फेस पे। ये आपके स्किन को एक अच्छा सा टेक्सचर दे देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्किन है वो काफ़ी फ्लफी सी लगने लग जाती है। तो नेक को भी आप इसके कवर करिएगा, आप नेक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अच्छे से हल्के हैंड से आप जेंटली मसाज करिएगा पूरे फेस पे, ताकि जितना भी मॉइस्चराइजर है वो आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। अप्लाई कर लिया है मॉइस्चराइजर, में स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्रिदेबल लग रही है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं, अपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। देखो हर प्रोडक्ट में केमिकल होता ही होता है, तो आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर लीजिएगा तो आप ज़रूर उसको अप्लाई करिएगा मेकअप से पहले। नेक्स्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ LA गर्ल्स प्रो का कंसीलर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने फेस पे चाहते हैं कि ग्लोई इफेक्ट रहे, साथ ही साथ आपके स्किन पर कोई भी डिस्कलरेशन है, कोई भी स्पॉट है और डार्क सर्कल्स हैं आपके, तो वो इसको हाइड करने में हेल्प करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर फाउंडेशन नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंसीलर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ एंड दैट्स इट। तो फिंगर की हेल्प से मैं इस कंसीलर को सेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर स्पॉन्ज करूँगी। एवरीडे मेकअप है तो एवरीडे में हम हैवी बेस नहीं करते हैं, और हमें अपने फेस पे कवरेज भी चाहिए थोड़ा सा जितने भी स्पॉट है हाइड करने के लिए। तो यस, आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज से जो है मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी पूरे को। मेक श्योर स्पॉन्ज वेट होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो आपके स्पॉन्ज में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि स्पॉन्ज हमेशा वेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि फेस पे ना एक नेचुरली टच आ जाता है जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो स्पॉन्ज मेक श्योर आप यूज़ करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का जेल प्लस पाउडर आईलाइनर। ये प्रोडक्ट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आप इसी प्रोडक्ट से अपने आईब्रो सेट कर सकते हैं, आप एक आईलाइनर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप काजल भी फिल कर सकते हैं। तो ऑल ओवर जो आई का एक कंप्लीट लुक होता है वो आपको इस प्रोडक्ट से मिल जाता है। मेकअप में सबसे ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में बोलूँ तो आईब्रो होता है। एज यू कैन सी कि मैंने आईब्रो फिल करी है, तो कितना डिफरेंस मेरे फेस पे आ गया है। सिर्फ आईब्रो से ही आपका मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है, या आपका फेस काफ़ी फुलर सा लगने लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने आईब्रो फिल कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कोई आईलाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सेम इसी प्रोडक्ट से अपने आईलाइनर जो है डिपॉजिट कर रही हूँ एक एंगल ब्रश की हेल्प से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर आईलाइनर को डिपॉजिट कर रही हूँ, और हल्का सा विंग भी दे रही हूँ। आप चाहते हैं तो आप विंग मत दीजिएगा, मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे देना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पर विंग दिया है। इसी प्रोडक्ट से काजल भी अप्लाई कर ली है, एंड मैं थोड़ा सा स्मजी लुक चाहती थी, इसलिए मैंने अपने वाटर लाइन पे एंगल ब्रश की हेल्प से ही स्मज कर रही हूँ जो मैंने काजल लगाया था। लास्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। तो मस्कारा मैंने यहाँ पे मेबलिन का लिया है, मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद है। लिप एंड चिप टिंट यूज़ करने वाले हैं, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लिप्स पे एक अच्छी पिगमेंटेशन मुझे मिल चुकी है। तो अगर आप अवॉइड करते हैं लिपस्टिक को, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट से अपने लुक को एक अच्छा क्रिएटिव सा देख सकते हैं अपने फेस पर। तो यहाँ पर मैं अपने चिक पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मुझे एक ब्लश
का इफेक्ट आ जाए और वो भी नेचुरली इफेक्ट आए, तो यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल ब्लश ना लगे, इसलिए मैं ये वाला लिप एंड चिक टिंट जो है अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि एक रोज़ वाटर होता है, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी है, काफ़ी अच्छा ये फेस पे वर्क करता है, पैचिनेस सा नहीं लगेगा और नेचुरल ही लगेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने पूरे फेस को एक पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप चाहते हैं तो बनाना पाउडर और लूज पाउडर कोई सा भी पाउडर लेके सेट कर सकते हैं। और अगर आपको स्वेट की प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं एक हैक बताऊंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ही। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने हैक बनाया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक को भी मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि हमने नेक पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, तो आप इसी पाउडर की हेल्प से अपने फेस को इवनली कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे फिक्सिंग स्प्रे मैं लगा रही हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, होप यू लाइक इट। एवरीडे मेकअप है तो इतना सिंपल तो बनता ही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।